नवी मुंबई नेटवर्क। टेल मी व्हेन एग्जैक्टली यू जॉइन आईएसएस? आईएसएस कब जॉइन किया ये जानने के लिए क्यों जॉइन किया और कैसे जॉइन किया ये जानना जरूरी है। ये एक महिला के ऊपर होने वाला अन्याय, उसका शोषण और उसका गलत चीज़ के लिए होने वाला इस्तेमाल, इसको रोकने के लिए इस मूवी का निर्माण किया गया है। अगर अपनी संस्कृति, अगर अपना धर्म अगर बचाना है तो ये देखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जनरेशन बहुत गलत रास्ते पे चल रही है, तो ये जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है। देशवासियों ने देखना चाहिए और अपना मन अपना ही हिसाब से बताइए कि ये ठीक है कि नहीं है। भाजपा नेता विधायक गणेश नाई के नेतृत्व में लव जिहाद और इस्लामिक आतंकवाद की सच्ची घटना पर आधारित फिल्म द केरला स्टोरी का नवी मुंबई में 2 दिवसीय फिल्म की मुफ्त स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया है, जहां इस फिल्म के मुफ्त स्क्रीनिंग के पहले दिन वाशी पाम बीच गैलेरिया मॉल स्थित आईनॉक्स थिएटर में नागरिकों के लिए फिल्म की मुफ्त स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया, जहां इस फिल्म को देखने थाने के पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव नायक और उनकी पत्नी कल्पना नायक एक साथ पहुंचे। इस दौरान बेलापुर, सीवुड, नेरुल, जुईनगर, तुरभे, सानपाड़ा और वाशी विभाग के नागरिक, पूर्व नगर सेवक, पूर्व नगर सेविकाएं भी मौजूद रहीं। बता दें कि इस फिल्म के माध्यम से ये दर्शाया गया है कि किस प्रकार अन्य धर्म की युवतियों को लव जिहाद के मामले में फंसाया जाता है और उनका कैसे शोषण कर आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी दर्दनाक हकीकत से आज की किशोरियों और महिलाओं को जागरूक करने और उनमें जागरूकता बढ़ाने हेतु एक कुटुंब प्रमुख की भूमिका अख्तियार करते हुए गणेश नायक के नेतृत्व में द केरला स्टोरी फिल्म की मुफ्त स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया था। इस दौरान इस फिल्म को देखने असंख्य महिलाओं और युवतियों की मौजूदगी दिखाई दी। इस दौरान संजीव नायक और कल्पना नायक ने इस फिल्म के पीछे छिपे सामाजिक संदेश का जिक्र करते हुए कहा कि सभी एक बार ये फिल्म जरूर देखें। आज द केरला स्टोरी ये मूवी देखने के लिए मेरे अर्धांगिनी कल्पना जी और मैं आया हूँ। आप सबको पता होगा, आपने शायद जिन्होंने पिक्चर नहीं देखा है तो उन्होंने पिक्चर देखना चाहिए, आज भी उसके लिए ही हम लोग यहाँ आए हैं। देखिए आईएसआईएस करके जो संगठन है, जो देश विघातक चीज़ों को आगे बढ़ावा दे रही है और उसमें इस्तेमाल हो रही है महिलाएं, हमारी बहनें, और ख़ास करके ये जो धर्म को बदल के कुछ लोग उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है उसके ऊपर ये मूवी है। ये कोई पार्टी, कोई पर्सनल लेवल पे ये ना देखे, ये एक महिला के ऊपर होने वाला अन्याय, उसका शोषण और उसका गलत चीज़ के लिए होने वाला इस्तेमाल, इसको रोकने के लिए इस मूवी का निर्माण किया गया है, ऐसा हमें देखा है। मुझे लगता है देशवासियों ने देखना चाहिए और अपना मन अपना ही हिसाब से बताइए कि ये ठीक है कि नहीं है, सही है कि गलत है। मुझे लगता है कि सबने ये मूवी देखना चाहिए और फिर अपना निर्णय, अपनी बात, अपना अनुभव उसमें लेकर आने वाले जो घटनाएं हैं उसको रोकने के लिए हम ज़रूर कामयाब होंगे। द केरला स्टोरी ये मूवी के माध्यम से आज की जो यंग जनरेशन है उनके लिए मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आज की जो जनरेशन है, जो लड़के लड़कियाँ यंग, छोटी छोटी चीज़ों में मतलब जल्दी से अट्रैक्ट हो जाते हैं और यही चीज़ उनको बहुत ज़्यादा आगे मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो मैं इतना ज़रूर चाहूँगी कि अभी की जो जनरेशन है उन्होंने इस मूवी को बहुत देखना ज़रूरी है, और जो भी देखेंगे उनको और बोलो कि आप मतलब जितना हो सके ये मूवी देखने के लिए जनरेशन को प्रोवाइड करें और इसमें से जो अच्छा संदेश है वो जाना बहुत, अगर अपनी संस्कृति, अगर अपना धर्म अगर बचाना है तो ये देखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जनरेशन बहुत गलत रास्ते पे चल रही है, तो ये जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है।
बता दें कि इस फिल्म स्क्रीनिंग के दूसरे दिन 14 मई को कोपेखेड़े बालाजी थिएटर में द केरला स्टोरी फिल्म की मुफ्त स्क्रीनिंग रखी गई है, जहां एरोली, दिघा, कोपेखेड़े, घनसोली, रबाली नोड के नागरिकों को ये फिल्म मुफ्त में देखने का मौका मिलेगा और एक सामाजिक संदेश भी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन बी नेटवर्क।